इस वीडियो में हम आपको एग्रेन कंपनी के डिजिटल मॉइस्चर मीटर मॉडल नंबर AG72 को ऑपरेट कैसे करना है यह बताएंगे। जब भी आप एग्रेन कंपनी का मॉइस्चर मीटर खरीदें तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपको इसके साथ एक एडोप्टर, 3 वॉल्यूम कप, एक रैचेट हैंडल और साथ में मैनुअल प्राप्त हुआ। मीटर को ऑपरेट करने से पहले इसकी कैलिब्रेशन चेक कर लें और आइटम कोड 01 सेट कर लें। सबसे पहले टेस्ट कप को मीटर से बाहर निकाल कर रख दें। बटन को दबाकर काउंटडाउन रुकने तक का इंतजार करें। एरर 1 आने पर आपकी कैलिब्रेशन सही है। फिर कप को दोबारा मीटर में इस प्रकार से लगाएं और साइड में लगे ऑपरेटिंग हैंडल की मदद से सामने लगे पॉइंटर को 0 पर सेट कर लें। और यह भी ध्यान रखें कि ऊपर लगी डिस्क पर भी 0 आ जाए। बटन को दबाकर काउंटडाउन रुकने तक का इंतजार करें। एरर 3 आने पर आपकी कैलिब्रेशन सही है। इसके बाद आपको जिस भी सैंपल में मॉइस्चर की जांच करनी है या कितना दाब देना है या कौन सा आइटम कोड लगाना है यह मशीन के पीछे लगे चार्ट में जांच लें। हम आपको गेहूं में मॉइस्चर की जांच कैसे करनी है यह बताएंगे। गेहूं को दाब 462 तक देना है, आइटम कोड 01 लगाना है और वॉल्यूम कप 1 का इस्तेमाल करना है। गेहूं को कप में ऊपर तक भर ले। कप के अंदर डाल लें और मशीन में लगाएं। साइड में लगे ऑपरेटिंग हैंडल की मदद से 462 तक दबाएं। हाथ से दाब ना दी जाए तो रैचेट हैंडल का इस्तेमाल करें। बटन को दबाकर काउंटडाउन रुकने तक का इंतजार करें। रीडिंग नोट करें और कप को खाली कर दें। हमेशा सही दाब और सही वॉल्यूम कप का ही इस्तेमाल करें। बैटरी लो कब इंडिकेटर जलने पर बैटरी बदल दें। अगर आपके यहाँ बिजली की सुविधा हो तो एडोप्टर का इस्तेमाल करें। बिजली चले जाने पर एडोप्टर की पिन को निकाल दें। रखिए कि एडोप्टर कोई चार्जर नहीं है, बैटरी में रिचार्जेबल साइज का प्रयोग नहीं होता, इसमें AA बैटरी प्रयोग की जाती है। जानकारी के लिए मीटर के साथ दिए गए मैनुअल भी पढ़ें।